तो गाइस कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में भैया हम ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। आप लोगों को पता होगा कि भाई टेक्नो ब्लेड नाम के एक ग्रेट यूट्यूबर थे जिनका भी फिलहाल में ही कैंसर से डेथ हो गया है। तो आज उन्हीं के हम लोग याद में उनके लिए एक स्टेचू बनाने वाले हैं। तो गाइस ये स्टेचू बहुत बड़ा स्टेचू होने वाला है। जब तक ये ब्लॉग का लास्ट आ नहीं जाएगा तब तक उनका स्टेचू नहीं बंद किया जाएगा। तो आज उन्हीं की याद में उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग एक स्टेचू बनाएंगे और आपको सिखाएंगे भी कि आखिर आप एक स्टेचू कैसे बना सकते हो। तो उनका तो मैं भाई मैं उनके जो कैरेक्टर है जो इसका इनका स्किन है उसको मैंने देखा है तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा है, लेकिन मैं आज उसी को आपको एक आसान तरीके से बनाकर सिखाने वाला हूँ। तो पहले तो मुझे ब्लैक वूल लेना है क्योंकि उनका नीचे का जो पैटर्न है वो कुछ इसी तरह से है, और आपको 8 ब्लॉक लगा देना है कुछ इस तरह से, और इसका चौड़ाई रखिएगा 4 ब्लॉक का कुछ इस तरह से, और फिर इसको आप सटर कर लीजिएगा और ब्लॉक इसके बाद में इसके ऊपर 4 ब्लॉक की इसकी भी ऊंचाई भी रहेगी, क्योंकि 4 ब्लॉक मैंने अगर एक भी ब्लॉक आप मिस कर देते हो तो आपका जो स्टेचू रहेगा वो थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। इसलिए आप एक काम करिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसी को प्रॉपर फॉलो करिएगा, और आपको कुछ इस तरह से आपको एक फ्रेम मिल जाएगा। इसके बाद आप आराम से उठा सकते हो, पूरा अपना काम कर सकते हो। इसके बाद एक हल्का जो ब्लैक का कलर का है इसका आप 1-2 लाइन में लगा दीजिएगा, ऊंचाई 2 लाइंस ज़रूरी है इसका। ग्रे हल्का है, ब्लू है, और फिर एक वाइट कुछ इस तरह से पैटर्न प्लस के साइन में बनाइएगा, और 2 ब्लॉक कुछ बीच में एक हल्का ब्लैक लगाकर और उसके ऊपर वाइट, और फिर आपको प्लस का चिन्ह इस तरफ बना लेना है। यहाँ पर हम लोग पहले तो हल्का ब्लैक लगाते हैं, फिर इसके अगल बगल वाइट, तो कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लेना है आपको। इसके बाद में ये काम करना है, आपको पूरा जगह जो बचा है इसको फिल कर लेना है पूरा इस तरह से। तो यहाँ पर एक काम आपका पूरा होता है, और फिर आपको रेड ब्लॉक देना है और 2 ब्लॉक इस तरफ, और इसकी 2 ब्लॉक की केवल ऊँचाई रखिएगा, और इतना काम आपका यहाँ पर होता है ख़त्म। इसके बाद में आपको हल्का वाइट और लास्ट में दोनों कोने में हल्का वाइट और बीच में पूरा वाइट से फिल कर दीजिएगा, और फिर एक कदम बढ़ाकर आपको हल्का ब्लैक और फिर बीच में 3 ब्लॉक की ऊंचाई रखकर आपको रेड कर देना है, और फिर साइड में वाइट ब्लॉक लगाकर आपको ऊंचाई करनी है 4 ब्लॉक की रेड वाले की। पूरा यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में जो जो मैं करता जा रहा हूँ इसे आप प्रॉपर फॉलो करिएगा, तभी टेक्नो ब्लेड का जो स्किन है वो कंप्लीट होगी और आपके सामने आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा तो अपना काम हो चुका है कमर के ऊपर तक, पेट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये सीढ़ी के टाइप का आपको बनाना है, और यहाँ पर 1 ब्लॉक कम रहेगा, 2 ब्लॉक आपको रेड का लगाना है और 1 ब्लॉक उस साइड में रेड का। तो मैं इसका अब कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि एक कलर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लगा देना है, और फिर आपको क्ले को लगाना है कुछ यहाँ पर, और फिर आपको रेड से जो साइड इधर उधर है उसको भर देना। अब बारी आ चुकी है बीच का बटन बनाने की, तो इस तरह से आप पीले रंग से बटन बना लीजिएगा। उसके बाद जो भी जगह खाली है वहाँ पर आपको व्हाइट वूल से पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर अपना पेट तक का हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बनाने की बारी आ गई है हेड, तो हेड को मैंने इस व्हाइट स्टेन क्ले से कर दिया है, और इसके बाद में आपको फेस कुछ इस तरह से बनाना है। मुझे सारे ब्लॉक का नाम नहीं पता है गाइस, इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको इसी तरह फॉलो प्रॉपर कर लेना है। और फिर आपको लास्ट में एक ब्लैक और फिर एक व्हाइट, ये आँख वाला पोर्शन है ताकि अच्छा लगे आपका आँख जो। तो मैंने यहाँ पर आँख तक कंप्लीट कर लिया है यार, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, अपने जो पुतले की है यानी स्टेचू की है वो हाइट ज़्यादा हो गई है, तो हो सकता है जो इसका क्रोन नहीं यानी मुकुट रहे वो 1 ब्लॉक ऊपर ना जा पाए। यार मैंने एक गलती कर दी, इसको माउंटेन पर बनाकर, तो माउंटेन की हाइट पहले से ही ज़्यादा होती है, और ऊपर से स्टेचू बनाना था तो यार स्टेचू की भी हाइट ज़्यादा हो गई और 1 ब्लॉक कम पड़ रहा है, तो मैनेज करेंगे, इतने पे ही छोड़ना पड़ेगा इसको। 1 ब्लॉक के वाले ऊंचाई चाहिए था, अगर मुझे कम करना है तो पूरा स्टेचू को दोबारा बनाना होगा, लेकिन इतना टाइम अब नहीं है यार, बहुत मेहनत कर चुके हैं इन पर। तो फटाफट से हाथ बनाते हैं, तो हाथ की चौड़ाई जो रहेगी 4 ब्लॉक रहेगी कुछ इस तरह से, और लंबाई यहाँ तक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ तक है, और ज़्यादा हाथ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट से बना लेते हैं इसको।
यहाँ पर वाइट और पैटर्न दिखेगा और ब्लैक। तो गाइस ये लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। हाथ वाला नीचे वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा स्किन और लगाना है और फटाफट से दूसरे साइड का भी जो हाथ है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी चार ब्लॉक की चौड़ाई में आपको रेड ऊल से लगा देना है और मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब छोटा सा जो हाथ वाला हिस्सा है उसे हम तकरीबन 3 ब्लॉक इसकी चौड़ाई लंबाई रहेगी और इसको भी वाइट क्ले से कर देंगे जिससे फेस बनाया था। इसके बाद डार्क वाला यहाँ पर स्टोन लगा देंगे कुछ इस तरह से ताकि पैटर्न अच्छा सा दिखे। तो पूरा स्टेचू लगभग आगे से कंप्लीट हो चुका है, अब केवल पीछे से हमें कंप्लीट करना है। तो पीछे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो यहाँ पर जो कलर है उसी कलर को हमें कंप्लीट करते जाना है। तो ये ग्रे हल्का ब्लू ब्लैक था तो इसे लगा दिए और यहाँ पर जो कलर है उसी कलर को हमें फटाफट से लगा देना है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और टेक्नो ब्लेड का स्टेचू बनकर तैयार होने वाला है। रात भी हो चुकी है और मुझे काम पूरा कर लेना है रात से पहले, क्योंकि यार ज़्यादा जितना टाइम लगेगा उतना ही बेकार होगा। तो फटाफट से यहाँ का जो है थोड़ा सा काम मैं सोच रहा हूँ कर लूँ, फिर मतलब दिन करूँ। अभी रात में ही काम करते हैं, कोई बात नहीं। तो जब तक दिख रहा है तब तक करते हैं, जब रात हो जाएगी पूरा तो मजबूरी में करना है। तो फटाफट से ये वाला पोर्शन बना लेते हैं फिर डे करते हैं। तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस केवल थोड़ा सा और भरना बाकी है। और सोल्जर को जो इसका कंधा है यहाँ पर भी थोड़ा भर देते हैं। तो गाइस रात हो चुकी थी इसलिए मैंने वहाँ पर काम बंद कर दिया था। अब केवल पीठ वाला जो पैटर्न है इनका ये कुछ इस तरह से बनाना है। आपको एक हल्का वाइट लेना है और एक पीला लेना है और फिर इस तरह के पैटर्न में आपको बना देना है और यहाँ पर कुछ इस तरह से। और फिर जब लास्ट में कुछ नहीं बचेगा आपको 2 येलो ब्लॉक को कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। इसके बाद में जो आपका बीच वाला पोर्शन बचेगा उससे पहले आपको एक लाइट पूरा फिल कर देना है ब्लू, डार्क ब्लू से पूरा इसको आपको फिल कर देना है फटाफट से, क्योंकि तभी पैटर्न दिखेगा। और फिर लाइट ब्लू से आपको ऊपर वाला पैटर्न बना देना है। इसके बाद जो भी आपको जगह बचा हुआ हो वहाँ पे पूरे भरे में आपको क्या करना है, रेड ऊल से पूरा फिल कर देना है। आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं फटाफट से इसे काम करता हूँ, फिल कर देता हूँ, फिर यहाँ पर काम अपना कंप्लीट होता है। तो गाइस लगभग हमारी पूरी स्टेचू कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो गाइस ये सामने से मैं दिखाता हूँ, ये अपनी टेक्नो ब्लेड भाई की स्टेचू बनकर तैयार हो चुकी है। तो भाई मैं जितना कर सका उनके लिए इतना किया और यहाँ पे एक फूल भी लगा देते हैं। तो खैर ये तो आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपका जो इच्छा हो लाइक कर दीजिएगा टेक्नो ब्लेड भाई के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।